पीछे भी जो I'm going to go to the hospital.
हो जाओ मेरे दोस्तों, मेरे भाई हो जाओ। भाई को सुना,
तुम्हारे
जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
भैया तुम पीछे क्यों आयो? आजाद समाज पार्टी के मुख्य चंद्रशेखर आजाद ने मेरठ से साइकिल यात्रा की शुरुआत की है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है मीडिया वाले। आज मेरठ से साइकिल यात्रा का क्या उद्देश्य है? मीडिया के लोगों का ध्यान देंगे। ये यात्रा 1 जुलाई से चली है। इसकी सहारनपुर से पूरे उत्तर प्रदेश के हर ब्लॉक में साइकिल यात्रा चल रही है। हर कस्बे में, हर विधानसभा में हमारे लोग जा रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल में उत्तर प्रदेश को दिया, वो जनता के बीच बता रहे हैं। उससे अलग भी जो हमारे मुद्दे कि 52% ओबीसी को 27% आरक्षण क्यों, और उस आरक्षण में भी उत्तर प्रदेश में 70,000 शिक्षकों की भर्ती में 6,000 दलित पिछड़ों का अधिकार खाने वाली सरकार, जो दलित पिछड़ों के विरोधी है, जो जिस तरह से तमाम तरह से आज क्राइम जो है बढ़ रहा है, महिलाओं के रेप हो रहे, हत्याएं हो रही है। अभी आजमगढ़ में एक दलित समाज के व्यक्ति मुन्ना पासवान का घर तोड़ दिया गया, उसकी बेटियों को छेड़खानी करते थे, वो उसने विरोध किया और सरकार ने हमारे आदि मुकदमा लिख दिया। तो जो अन्याय किसानों के साथ हो रहा हो, नौजवान है, बेरोजगारी, आप देखिए ये तमाम लोग जो है, अगर इनको सरकार नौकरी देती तो आज यहाँ सड़कों पर खड़े होते। तो जो सड़क पर लोग घूम रहे हैं उनको सदन में भेजने की लड़ाई हमने शुरू की है। उत्तर प्रदेश से भाजपा की विधायक तय करेंगे। इसलिए 42 डिग्री टेम्परेचर में पसीना छू रहा है, लेकिन मेहनत जा रही है। सारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। इनकी मेहनत से आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़ी ताकत होगी। ये पूरे प्रदेश में चल रही है। मैं तो खुद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, आज मेरठ आ गया हूँ, कल बुलंदशहर, आगरा, अलीगढ़, ये चल रही है पूरे पूर्वांचल, और सब कार्यकर्ता चला रहे हैं। मैं तो एक व्यक्ति हूँ, पूरे सारे कार्यकर्ता चला रहे हैं पूरे प्रदेश में। Yeah.
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे हमें है ना, हमें ना भारतीय नहीं जो उनको बाजी जी Yeah.
मुस्लिम के सम्मान में Thank you.